हेलो जी, नमस्कार सारा ने। आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आई थी सर, मतलब ट्रेनिंग के बाद ड्यूटियाँ होती है तो सर रूम के बारे में बताइए कि सर हमें रूम अवेलेबल होगा या नहीं। तो भाई मैं पहले बता दूं कि जो ट्रेनिंग के बाद जहाँ भी ड्यूटियाँ होती हैं वहाँ लगभग रूम अवेलेबल होता है। तो मैं अपना रूम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आई थी सर हमें अपना रूम दिखाइए कि मतलब आपका रूम किस तरह का है। तो मेरा रूम जो थाने के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो रूम किस तरह का है। ये देखिए, ये जो मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये रूम है सभी को। तो जो मेरा रूम ये वाला है, आपको बता देता हूँ एंट्री। सबसे पहले ये वैसे लगा रखा है धूप के लिए, फिर ये कूलर है गर्मी में, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये कूलर लगा हुआ है और यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है। और आप पूरा व्यू दिखाऊंगा रूम का, ये हमारा रूम है, ठीक है। यहाँ ड्रेस टंगी हुई है और ये बिस्तर लगा हुआ है। फिर सबसे पहले एंट्री होती है, हमें दिखा था ये इस गेट से एंट्री हुई थी। यहाँ कूलर रखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मानचित्र तो और ये ड्रेस टंगी हुई यहाँ पे, और एक बेड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये बैग वगैरह की ये कुर्सी है। तो ऐसे दिखाई पड़ता है, यहाँ कुछ कपड़े वगैरह टांगने के लिए हैंगर लगाया हुआ है। ये वैसे कुर्सी है, ठीक है। इस तरफ दो अलमारी है, ये देखो। और ये बाहर का गेट है जो दिखाया था, कूलर लगाया हुआ है और दो अलमारियाँ, ठीक है। साइड में हैंगर वगैरह लगाए हुए हैं ताकि शोल्डर वगैरह रखने के लिए। और ये बिस्तर है रूम के, वहाँ ड्रेस टंगी हुई है। ये है हमारा रूम। तो कैसा लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।